कायम रखते हुए हम चलते हैं डॉक्टर कपूर के पास और निवेदन करते हैं उनसे कि आज हमें नया ज्ञान दें। डॉक्टर कपूर, ओवर टू यू। नमस्कार आरसीएम के सभी साथियों को, जो भी न्यूट्रिशनल काउंसलर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबको, और जो भी लोग अपनी सेहत के बारे में थोड़ा जानकारी बढ़ाना चाहते हैं उनको आज का सेशन क्यों महत्वपूर्ण है। आज हम ऐसे टूल का उपयोग दोबारा से दोहराएंगे जिससे अपन हम सब लोग अपनी सेल्स को, अपने बिजनेस को तो बढ़ा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को भी बढ़ा सकते हैं। ये टूल है हमारी रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन बुक। आप में से बहुत लोगों के पास इसकी कॉपी है, आप में से बहुत लोगों ने शायद दो दो बार भी ली है, बहुत सारे लोगों के घर में है, लेकिन इसका उपयोग होते हुए शायद इतना नहीं मैंने देखा। और अगर इसका उपयोग हम सीख जाएं तो ना सिर्फ हमारा स्वास्थ्य बहुत सुधर जाएगा बल्कि हमारी कामयाबी भी बहुत बढ़ जाएगी। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूँ एक प्रेजेंटेशन पे जिससे हम ये तेजी से समझें कि इसका उपयोग करना कैसे। देखिए साहब, न्यूट्रिशन साइंस बुक से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का या न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट्स का कैसे प्रमोशन करना है, ये आज का विषय है। तो सबसे पहले जिस प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट। तो न्यूट्रिशन साइंस बुक से आखिर इन दोनों प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट करना है इसको हम समझते हैं। प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है। भारत में प्रोटीन की जो जितनी भी बार हम मिले हमने ये समझा, भारत में प्रोटीन की खपत बहुत कम है, लोग बहुत कम प्रोटीन खा रहे हैं। और ये दो जो आपके सामने टॉय पैक रखे हैं ये वर्ल्ड क्लास टॉय पैक्स है, यानी कि इस प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं। मतलब इसको जरा ठीक से समझें तो भारतीय लोगों को प्रोटीन की काफी कमी है, हमारे पास विश्व का श्रेष्ठतम सप्लीमेंटेशन प्रोटीन है, वर्ल्ड क्लास पैकेजिंग है, सिर्फ हमारे को सही जानकारी देनी है और ये प्रोडक्ट तो आपको हमेशा शॉर्ट सप्लाई में मिलेगा। तो आइए वापस चलते हैं प्रेजेंटेशन से, समझते हैं कैसे ऐसा करेंगे। देखिए सबसे पहले न्यूट्रिशन साइंस बुक की बड़ी कॉपी मैं खोलने जा रहा हूं, उसका पृष्ठ 51। जिन लोगों के पास न्यूट्रिशन साइंस बुक है वो ये पेज नंबर नोट कर सकते हैं और ये सेशन होने के बाद आप इस सेशन को दोहरा सकते हैं, ये रिकॉर्डेड सेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसके साथ बुक को हाथ में रख के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये पृष्ठ 51 आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पेज है, इससे आप लगभग सभी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की जरूरत को समझाने में पहला कदम उठाते हैं। किसी भी व्यक्ति को आप इससे महसूस कराते हैं कि भाई अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको युवा बने रहना उम्र के अनुरूप, तो 7 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है और उसमें से 4 न्यूट्रिएंट्स यानी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर की आपके शरीर में कमी है। क्लियरली ये जहां भी आप पढ़ेंगे ये पृष्ठ पे ये साफ साफ लिखा है। तो जब भी आपको कोको प्रोडक्ट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट प्रमोट करना है तो सबसे पहले आपको यही पेज दिखाना चाहिए। PVMF यानी इसके साथ में न्यूट्रीचार्ज मैन और वुमेन प्रमोट करने के लिए भी ये पेज से शुरुआत करनी चाहिए। अगला पेज जो आपको खोलना चाहिए ये मैं इसी पेज में, हाँ एक मिनट, अगले पेज पे जाने से पहले इसी पेज पे लिखा क्या है। देखिए ये नीचे जो आपको थाली दिख रही है ये सामान्य घर के खाने की थाली है, इसी प्रकार का भोजन, इसी प्रकार का नाश्ता, इसी प्रकार का डिनर हम करते हैं और ये बात तय है कि भरपूर खाने के बाद भी हम शायद मोटे तो हैं लेकिन हमारे शरीर में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर की मात्रा कम है और खासकर प्रोटीन की मात्रा कम है। तो ये पृष्ठ 51 आप दिखाकर ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब इसी बुक के पेज 63 में आपको लिए चलता हूं। पेज 63 व्यक्ति को बता रहा है कि उसके शरीर की सभी कोशिकाएं प्रोटीन से ही बनी है और अगर उसके शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा। कम शब्दों में मैं बोलूं, इस पेज से हम ये समझाएंगे, इस न्यूट्रिशन साइंस बुक की पेज से, कि आपका मकान यानी आपका शरीर जिन ईंटों से बना है वो प्रोटीन ही है और प्रोटीन अगर आपने नहीं खाया तो आपका मकान नहीं बनेगा, उसकी रिपेयर नहीं हो पाएगी क्योंकि सभी कोशिकाएं प्रोटीन से बनी है, ये पृष्ठ 63 से आपने समझा। आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये पेज से आपको ये बताना है कि तेरे शरीर की संरचना का आधार ही प्रोटीन है। अब मैं आपको पेज 63 के दूसरे भाग में ले जा रहा हूं जहां प्रोटीन के संक्षिप्त में वर्णन किया है कि वो करता क्या है शरीर। बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं लेकिन यहां जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है, ये आप अगर उसको समझा पाए
कि उसके शरीर की हड्डियां, उसके शरीर की मसल्स, उसका रक्त, उसके हार्मोन्स, उसके बाल, उसके नाखून, उसकी त्वचा, ये जो आपको संपूर्ण शरीर नीचे से ऊपर दिख रहा है, अब ये मसल्स लड़ने के लिए नहीं है, ये हमारे शरीर को जिंदा रखने, उसको सुगठित रखने, स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। ये पेज से मैं क्या समझा रहा हूं जिसको मैं प्रोटीन बेचना चाहता हूं या जिसको प्रोटीन लेने के लिए कन्विंस करना चाहता हूं कि आपका सारा शरीर जिन चीजों से बना है वो चीजें प्रोटीन पे ही आधारित है। हर चीज आपके शरीर में प्रोटीन से बनी है। केवल ये बात अगर आपने ये पेज खोल के समझा दी तो वो व्यक्ति ध्यान से सुनेगा। पाचन के लिए एंजाइम्स भी इसी पेज से समझाइए। पेज 64 पे जो आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है न्यूट्रिशन साइंस बुक की पेज के अंदर, बुक के अंदर जो बड़ी वाली किताब है उसका 64वां पृष्ठ आप खोलेंगे, 64वां पेज खोलेंगे तो वहां जिस चीज का वर्णन है वो प्रोटीन के फंक्शंस है, मतलब प्रोटीन क्या करता है इसका वर्णन है। और ये आज के समय में ये पेज आपकी सेल काफी बढ़ा सकता है क्योंकि आप दोबारा से देखें इस पेज को ध्यान से, तो ये पेज हमें समझा रहा है कि प्रोटीन एंटीबॉडी के निर्माण द्वारा संक्रमण और बीमारियों की रोकथाम में मदद करते हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको चित्र से अलग से समझा देता हूं ताकि आप समझ जाएं और उसको समझा सके। ये देखिए, ये हमारे शरीर में एक वायरस घुस आया है और अगर मेरा इम्यून सिस्टम ठीक से बना हुआ है तो उस वायरस पे दो तरह से अटैक होगा, या वायरस या जीवाणु कोई भी घुसा है जो मेरे शरीर में इंफेक्शन करना है। पहला, जो मेरे शरीर में सफेद रक्त कोशिकाएं हैं वो इस पर अटैक करेंगी। दूसरा, अगर ये वायरस या जीवाणु पहले भी आया था और मेरी बॉडी ने एंटीबॉडी प्रोटीन बना लिए हैं तो आप देख सकते हैं कि उस वायरस को ये कैसे घेर के मार रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है। जो लोगों को अभी अभी देश में या विदेश में रह के संक्रमण हुआ है उनके शरीर में अगर वो स्वस्थ हो गए हैं तो ऐसे एंटीबॉडीज बन गए हैं और ये एंटीबॉडीज अगर वायरस उनके शरीर में दोबारा जाएगा तुरंत उसको घेर के मार डालेंगे। और ये पेज नंबर 64 उस व्यक्ति को समझा रहा है जिसे आप प्रोटीन बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे एंटीबॉडीज दरअसल प्रोटीन ही है। और अगर वो व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडीज नहीं बने हैं तो जो सफेद रक्त कोशिकाएं इसे वायरस को अटैक करेंगी उनके निर्माण के लिए भी प्रोटीन आवश्यक है। तो इम्यूनिटी के महत्व इस समय इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसलिए 64 पेज का अगर आपने ये एक सेंटेंस खोल के समझा दिया और उसको आराम से ये एक्सप्लेन कर दिया तो व्यक्ति गंभीरता से प्रोटीन लेने के बारे में सोचेगा। ये पेज महत्वपूर्ण है और ये पॉइंट इस समय आज के कंटेक्स्ट में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इम्यूनिटी का ये पॉइंट 64वें पेज पे है। न्यूट्रिशन साइंस बुक की जो ड्यूअल बुक है उसमें से बड़ी वाली जो कॉपी है उसको मैं 64वें पेज पे आपको दिखा रहा हूं। 64वें पेज पे एक और महत्वपूर्ण कार्य ये दिया है, जिन लोगों का सांस फूलता है, सांस चलने में हाफ जाते हैं, एनर्जी की कमी है, दरअसल उनके शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह कम है। और इस पेज की केवल एक लाइन उस व्यक्ति को समझा देगी कि प्रोटीन की कमी से आप जल्दी हाफ जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि ऐसा एक प्रोटीन ही करता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से, फेफड़ों से टिश्यूज तक लाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाता है। ये एक लाइन आपने शांति से समझा दी। आप पहले सुनिए कि व्यक्ति क्या शिकायत करता है, उसको क्या कमी है, या ऑब्जर्व करिए कि वो थोड़ा सा आपके साथ थोड़ी दूर चला और हाफ गया तो आप उसको समझाइए कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी प्रोटीन ही दूर कर सकता है और वो प्रोटीन जो है आपके आहार से मिले प्रोटीन से ही निर्माण होता है, उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। पेज 65 में हम जाएं तो उम्र के हिसाब से जरूरी है। ये पेज उन लोगों को दिखाइए जो कहें यार अभी मेरे को क्या जरूरत है, मैं तो बहुत युवा हूं, या उन लोगों को दिखाइए यार अब तो मेरी उम्र हो गई, अब मैं प्रोटीन खा के क्या करूंगा। व्यक्ति दोनों तरह से आर्ग्यूमेंट करते हैं। जो युवा है वो कहता है साहब मैं तो बहुत युवा हूं, मेरे को प्रोटीन की क्या जरूरत है, मैं तो अभी जवान हूं। और जो थोड़े बड़े हो गए हैं वो कहते हैं साहब मेरे को अब क्या जरूरत है, मैं तो थोड़ा बड़ा हो गया हूं। तो उनको जवाब आप इस पेज 65 से दे सकते हैं। दोबारा से देखते हैं, जो 18 से 40 साल की उम्र तक है या थोड़ी युवा अवस्था है उसमें शारीरिक विकास जो हो रहा है, जो आपके अंग चल रहे हैं, जो आपके अंगों का रखरखाव हो रहा है, या थोड़ी बहुत डैमेज आप कर बैठते हैं, आपने थोड़ा भारी सामान उठा लिया, मसल क्षतिग्रस्त हो गई, आप ज्यादा देर खड़े रह गए, मसल्स पे दबाव आया, ये सब जो मेंटेनेंस होनी है और जो डेवलपमेंट होनी है ये प्रोटीन से होनी है। और 40 से उम्र से ज्यादा हो गए हैं, जैसे मेरा इस समय उम्र 40 से ज्यादा है, मेरे साथी जो हैं
या 40 के बाद के बहुत से लोग हैं, उन सबको मसल्स की हानि की रोकथाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सक्रिय रहने के लिए मसल्स चाहिए और मसल्स की हानि की रोकथाम प्रोटीन ही कर सकता है। ये पेज से आप उम्र का जो आपके पर सवाल फेंका जाता है उसका जवाब दे सकते हैं। बहुत एक ही बात, और अगर आपको ये प्रैक्टिस हो जाती है तो आप सटीक वही पेज खोल के एक ही लाइन उसको दिखाएंगे और व्यक्ति को समझा सकेंगे कि क्या किस कारण से आप उसको प्रोटीन लेने को बोल रहे हैं। अब हालांकि प्रोटीन के बारे में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण पेजेस और पॉइंट बता दिए, लेकिन आज मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और देता हूं। प्रोटीन अमीनो एसिड से बने हैं ये हम जानते हैं, और हमारी न्यूट्रिशन साइंस बुक हमारे को प्रोटीन के जो घटक हैं, प्रोटीन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे प्रोटीन बना है अमीनो एसिड, उनमें से प्रत्येक अमीनो एसिड के बारे में बताते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं केवल दो तीन के बारे में बात करूंगा, और वो दो तीन में सबसे महत्वपूर्ण जो है उनके बारे में दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि जो व्यक्ति थोड़ा सा इंटरेस्ट लेता है प्रोटीन में उसको आप, और या थोड़ी नॉलेज रखता है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, थोड़ा गहराई में जाता है, या युवा है जो थोड़ी जानकारी ज्यादा चाहता है, उनको आप प्रोटीन के आगे की जानकारी भी दे सकते हैं, यानी कि उसके अंदर छुपे अमीनो एसिड्स। दोबारा देखिए ये पेज को, बहुत महत्वपूर्ण पेज है, और हम एक महत्वपूर्ण अमीनो एसिड आर्जिनिन की चर्चा कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए, आपके डॉय पैक में जो सोय प्रोटीन आइसोलेट है वो आर्जिनिन से भरपूर है, और आर्जिनिन जो है उसका महत्व ये है कि आपकी जो रक्त की जो धमनियां हैं वो आर्जिनिन की मदद से खूब फैलती हैं और आपका रक्त प्रवाह जोर से बढ़ता है। ये इतना महत्वपूर्ण बात है कि अगर मैं आपको आर्जिनिन की थोड़ी ज्यादा डोज दे दूं तो आपको नींद नहीं आएगी, सर्कुलेशन इतना बढ़ जाएगा कि आप एक्साइट हो जाएंगे, आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हांफने की जगह आपको बिल्कुल एकदम से तेजी से, बिल्कुल आप तेजी से काम करने की चेष्टा करेंगे। आर्जिनिन बहुत महत्वपूर्ण। एक और बात जो यहाँ महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो सेक्सुअल ड्राइव है वो भी हमारी ब्लड सर्कुलेशन पे ही डिपेंडेंट है। तो मेल्स हों या फीमेल्स हों, अगर आपके जीवन में थकाव है, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, हाँफ जाते हैं, बहुत जल्दी आपको बैठने की जगह ढूंढते हैं, लेटने का सहारा ढूंढते हैं, तो एक कारण यह है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन कम है, और अमीनो एसिड आर्जिनिन इस सर्कुलेशन को बहुत बढ़ा देता है। आपकी जानकारी के लिए, जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं और उनके गर्भ में रहे बच्चे को अगर ब्लड सप्लाई की डॉक्टर को महसूस होता है कमी हो रही है, तो उनको केवल सिंगल आर्जिनिन अमीनो एसिड के बहुत सारी मात्रा वो खिलाई जाती है ताकि उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। दूसरी ओर जो पुरुष मतलब जिनको समस्या है कि भाई उनके बच्चा नहीं हो रहा है, पुरुष और स्त्री दोनों को हो सकती है, उनको भी जो डॉक्टर एडवाइस कर रहे होते हैं कि वो कैसे बच्चे के बाप बने, उनको भी वो आर्जिनिन देते हैं ताकि उनके शरीर में रक्त संचार बढ़े, उत्साह बढ़े, यौन स्वास्थ्य बढ़े। तो ये बात मैंने आपको एक महत्वपूर्ण अमीनो एसिड के बारे में समझाई है। ये आपको इस बुक में, बड़ी न्यूट्रिशन साइंस बुक में, प्रोटीन के टॉपिक के साथ जो पेज नंबर दिखाया है वहां मिलेगा, तो आप इस प्रकार से समझा सकते हैं। तो आपका आर्गुमेंट गहराई तक जाता है, लेकिन इतनी जानकारी आप याद नहीं रख पाएंगे, ये बुक साथ में रख लेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए। दो इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स की मैं और बात करूंगा, उनका महत्व समझाऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम समझ जाएंगे कि प्रोटीन कैसे, हम न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट हम कैसे इस बुक से बेच सकते हैं। दोबारा देखते हैं, दो अन्य अमीनो एसिड्स की जानकारी देता हूं। ये दूसरा जो अमीनो एसिड है लाइसिन, ये बहुत महत्वपूर्ण अमीनो एसिड है, और बुक का 66 पृष्ठ खोल के आप बहुत सारा न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट बेच सकते हैं। भले आप कोको प्रोडक्ट बेचें, भले आप स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट बेचें, दोनों लाइसिन से भरपूर। अमीनो एसिड लाइसिन क्यों चाहिए? अमीनो एसिड लाइसिन इसलिए चाहिए कि हमारे शरीर का विकास इसके बिना नहीं हो पाता। खासकर जो युवा लोग हैं जिनको शरीर में मजबूती चाहिए, उनको लाइसिन चाहिए। जो लोग मसल्स को मजबूत करना चाहते हैं उन्हें लाइसिन चाहिए। जिनको शरीर में दृढ़ता की कमी महसूस होती है उनको लाइसिन चाहिए, और जिनको इम्यूनिटी की कमी महसूस होती है, बार बार बीमार पड़ते हैं, उनको लाइसिन चाहिए। आप यहां पढ़ सकते हैं कि लाइसिन शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लाइसिन हमारे शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और लाइसिन संक्रमण होने के बाद दोबारा से लोगों को बार बार इंफेक्शन होता है वो नहीं होने देता, और लाइसिन आपको बीमारियों से ठीक होने में मदद करता है और शारीरिक दृढ़ता देता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको एडिशनल बता देता हूं कि जो भी रोटी चावल अनाज हम खाते हैं, जो हमारे प्रोटीन के परंपरागत स्रोत हैं, उनमें लाइसिन ही कम है। बच्चों के जितने भी टॉनिक बनते थे, जो मैंने 25-30 वर्ष के अपने अनुभव में खूब बेचे हैं या खूब खरीदे हैं,
उन सब में लाइसिन अलग से मिलाया जाता था ताकि बच्चों का विकास हो। दुर्भाग्यवश जो भारत में हम आटा, गेहूं का आटा या चावल से अपना भोजन बनाते हैं, ये दोनों में लाइसिन कम है। जो बहुत सारे अनाज हम अलग अलग खाते हैं, मक्का खाएं, बाजरा खाएं, ज्वार खाएं, उन सब में लाइसिन की कमी है। इसलिए न्यूट्रीचार्ज सोय प्रोडक्ट जब आप लेते हैं, न्यूट्रीचार्ज का कोकोआ प्रोडक्ट जब आप लेते हैं, न्यूट्रीचार्ज का आप स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट लेते हैं, दोनों आइसोलेटेड सोय प्रोटीन पर आधारित हैं और लाइसिन से भरपूर हैं, तो ये आपके बाकी भोजन से मिले अब इनकम्प्लीट प्रोटीन को भी प्रोटीन कर कंप्लीट प्रोटीन में तब्दील कर देते हैं, क्योंकि इनमें लाइसिन है जो आपके खाने में नहीं है। ये 66 नंबर पेज से आप समझा सकते हैं, और इतनी जानकारी के बाद तो कोई भी मान जाएगा, जो अपनी मसल्स भी बिल्ड करना चाहेगा वो भी मान जाएगा। अगला जो अमाइनो एसिड है, ये आपको महिलाओं को और लड़कियों को दिखाना चाहिए, वो है मैथियोनिन। मैथियोनिन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, और मैथियोनिन दरअसल दालों में भी कम है, हमारे अनाज में भी कम है, इसीलिए मैंने इसको तीसरा महत्वपूर्ण अमीनो एसिड के रूप में चुना है। तो इसमें 9 के 9 अमीनो एसिड एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपके न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट में, लेकिन ये 3 आर्जिनिन, लाइसिन और मैथियोनिन मैंने चुने, क्योंकि इनसे आप सेल बहुत बढ़ा सकते हैं। ये त्वचा, बालों और नाखूनों के रखरखाव के लिए ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जरूरी होता है, और ये ज्यादातर अनाज और दालें और जो भी हम प्रोटीन के स्रोत खाते हैं उनमें कम होता है। दूध में होता है, लेकिन दूध में प्रोटीन ही बहुत कम होता है, 3 या 4% होता है, इसलिए हमें उससे भी बहुत ज्यादा मैथियोनिन नहीं मिलता। और इसीलिए आप देखें, जिसे भी देखिए वो अपने बालों में गुम है, वो बालों के झड़ने से परेशान है, स्किन के लिए परेशान है, असमय बुढ़ापे से परेशान है, बालों के टूटने और कमजोर होने से परेशान है, उनको सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड चाहिए, और वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड आपका न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट भरपूर दे सकता है। अगर वो स्ट्रॉबेरी लेती हैं तो भी दे सकता है, अगर वो कोको प्रोडक्ट लेती हैं तो भी देगा। तो ये अमीनो एसिड की थोड़ी सी जानकारी जो आज आपको मिली 66 नंबर पेज की, ये आपके बहुत महत्व की है। इतनी सी बात बता देंगे तो किसी का प्रोटीन लेने का मन केवल मसल्स की बात करने से अगर नहीं हो रहा है तो हो आएगा। यौन शक्ति की बात करेंगे तो बहुत से युवा इंटरेस्टेड होंगे, बहुत से मिडल एज के लोगों को भी परेशानी है, थोड़ी सी उबड़ती उम्र के लोग जो थक जाते हैं उनको आर्जिनिन बताएंगे तो वो इसमें इंटरेस्ट लेंगे। देखिए, दूसरे के इंटरेस्ट की बात करेंगे तो आपके इंटरेस्ट की बात कोई सुनेगा? आप अपने परिवार को भी कन्विंस नहीं कर पाते हैं कई बार कि न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट लीजिए, उनको भी बताएंगे तो वो भी कन्विंस होंगे, आपका सेल भी बढ़ेगा, और अगर आप खुद भी समझेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। अब न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट के 2 और तत्वों की बात मैं आपको करके इस मुद्दे को अगले प्रोडक्ट पे लिए चलूंगा। एक तो न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट में हमने फाइबर डाला है जो हमारी आंतों में कम है, पेज नंबर 117 पे इस फाइबर का चर्चा है। फाइबर हमारा पाचन सुधारता है और हमारी डाइट में कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को ज्यादा नहीं बढ़ने देता, फैट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ने नहीं देता, इसलिए हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को घटाता है, डायबिटीज से भी बचाता है। ज्यादातर कंपनियां अपने प्रोटीन में फाइबर नहीं डालती, इसलिए आपको ये पेज 117 जरूर दिखाना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट का आपको लेबल दिखाना चाहिए, उसमें फाइबर की उपस्थिति बताना चाहिए, और ये बताना चाहिए कि न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट लेने पे आपको केवल प्रोटीन नहीं मिलता है, न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट से आपको फाइबर भी मिलता है, इसलिए आपकी सेल बहुत जोर से बढ़ेगी। दूसरी कंपनियां फाइबर बेचने के लिए अलग से पैसे लेती हैं जो आप न्यूट्रीचार्ज से नहीं आपको खर्चना पड़ते ना लेना पड़ते। तो न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट खाने से क्या मेरा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड किस कारण भी घटता है? जी हाँ, न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट खाने से क्या मेरी पाचन सुधरता है? जी हाँ, मेरी आंतों में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है। जी हाँ, मेरे ब्लड में डायबिटीज से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। जी हाँ, ये पेज 117 से आप समझाइए। आपके प्रोडक्ट की खासियत है कि उसमें फाइबर है, कोई अगर अन्य प्रोटीन से बहुत ज्यादा कन्विंस्ड है तो ये भी एक आपके पास जानकारी है जिससे आप अपने न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट की सेल बढ़ा सकते हैं। अब 2 अंतिम बातें जो न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट की मैं करूंगा, वो पेज 128 पे, अगर आप न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं तो महिलाओं को खासकर आप जरूर दिखाएं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है इसमें, और ये त्वचा के लिए खासकर फायदेमंद है, इससे त्वचा में गुलाबी चमक आती है। एक दिन में नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई ताउम्र प्रोटीन के साथ स्ट्रॉबेरी का सेवन कर रहा है और आपके पास जो न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट है उसमें स्ट्रॉबेरी का केवल रंग या केवल उसकी केमिकल एसेंस नहीं डली है, शुद्ध स्ट्रॉबेरी पाउडर डला है, और जो कलर आता है वो शुद्ध स्ट्रॉबेरी के पाउडर से ही आता है, ये बात अगर आप बताएंगे तो जिनको भी अपनी त्वचा की बड़ी और बालों की बहुत ज्यादा चिंता रहती है वो स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट का महत्व समझेंगे। और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट भी किसी से कम नहीं है। आप पेज नंबर 179 दिखाएंगे तो जो कोकोआ आपने उसमें डाला है
ये पुरुषों के लिए खासकर, और जो महिलाएं थोड़ी उम्र में बढ़ गया है, 40-45 हो गया है या मेनोपॉज हो गया है, उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ना सिर्फ ब्लड प्रेशर कम करता है, ये धमनियों में जो हमारे ब्लड वेसल्स में फैट जम रही है उसको कम करता है और हृदय रोग से भी बचाता है। देखिए, यानी अगर आपने ये पेज 180 से एक कम पेज दिखाया, तो आप किसी भी व्यक्ति को जो मिडल एज में है, थोड़ा मोटा है, उसको डबल डबल आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। पहली बात आप उसको बोल रहे हैं कि न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट में जो सोया प्रोटीन है, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, वो उसको USFDA ने सिद्ध किया हुआ है, लाइसेंस दिया हुआ है कि साहब इसको खाने से हृदय रोग का खतरा कम होता है। और दूसरी ओर जो न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट में कोकोआ प्रोडक्ट में जो कोकोआ डला है, शुद्ध कोकोआ, बेल्जियम से मंगाया गया कोकोआ डला है, ये हृदय रोग के खतरे कम करता है। मोटा इसकी मैंने दो स्लाइड बनाई है, क्योंकि बहुत ज्यादा जानकारी है पेज 179 पे। ये उनकी कमर कम करने में मदद करेगा, उनकी रक्त शर्करा भी कम करेगा और ब्रेन को ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा। उनकी पत्नी को बताएंगे तो खुश हो जाएंगी, बोले इनको थोड़ी अकल आएगी, इनके ब्रेन में रक्त सप्लाई बढ़ेगी। तो ये भी आप उनको बता सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इस सारी जानकारी से मैं समझता हूँ कि आप अगर अपनी न्यूट्रिशन साइंस बुक कैरी करें, मैं पूरा तो नहीं डिस्कस कर पाया हूँ, संक्षिप्त में आपको महसूस हुआ होगा कि इतनी जानकारी लेके अगर आप साथ चलेंगे तो न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट या न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडक्ट को प्रमोट करने में आपको काफी मदद मिलेगी। और इसके अलावा आप अन्य प्रश्नों के जवाब हमारे दूसरे सेशन से देखेंगे, वो जानकारी साथ में रखेंगे, तो आप काफी, मतलब काफी आपकी आर्ग्यूमेंट्स में दम आ जाएगा। चलिए अब अगले प्रोडक्ट को हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इस बुक से उनको प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं और जिसके बारे में ये बुक में जानकारी बहुत ज्यादा दी गई है, वो है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा पावर। कैसे प्रमोट करेंगे इस बुक को, देखिए कौन सा पेज है, पेज नोट करते जाएं, केवल पेज नोट करते जाएं, ओमेगा 3 फैट का पेज नंबर 182, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि ओमेगा 3 फैट शरीर की विभिन्न प्रणालियों को सुचारू रखने वाला बहुत ही बायो एक्टिव फैट है। यानी ये वो ढीला फैट नहीं है जो हमारे को मोटा करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैट है और ये हमारे शरीर में निर्माण इसका नहीं हो सकता, ये क्लियरली इस पेज पे लिखा है। इसलिए किसी को भी ये गलत फहमी है कि मैं घर का खाना खाता हूँ, मैं गाय का दूध पीता हूँ या मेरे घर में ही भैंस पाली है और मेरे को कोई प्रोटीन की कमी नहीं है, उसको तो ये समझा ही दीजिए, या मेरे को कोई मैं तो बहुत फैट खाता हूँ, लेकिन ये उस फैट में नहीं होता, ना ये हमारे शरीर में बनता है। डेयरी में बहुत कम होता है लेकिन उसमें दूसरा सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है, तो ओमेगा 3 फैट हमारे लिए बहुत जरूरी है, पेज नंबर 182। और थोड़ा सा मैं आपको आगे पीछे कर रहा हूँ, ये पेज नंबर 60 पे पूरा केवल एक ही पेज पे, अगर आप जल्दी में किसी को भी बोले कि साहब एक ही पेज में मुझे बता दो मैं क्यों न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लूं, तो केवल एक पेज आप 60 नंबर का याद कर लीजिए। इस पेज पे एक ही पैरा में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा की पूरी फंक्शनैलिटी, पूरे उसके फायदे 10 लाइनें लिखी हैं और उसके अंदर समराइज कर दिया है। मैं इनमें से एक एक लाइन को थोड़ा आगे बढ़ के बताता हूँ, आप पेज नंबर 60 नोटिस करें। देखिए पेज नंबर 60 की पहली लाइन में टुकड़े कर करके समझा रहा हूँ कि ये विशेषतः हृदय के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। 3 प्रकार के ओमेगा 3 होते हैं, ALA, DHA और EPA। DHA सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन DHA बहुत शक्तिशाली ओमेगा 3 है, बाकी ओमेगा 3 भी हैं। अगर आप DHA ले सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट, आप डायरेक्ट DHA ले लें जो किंग ऑफ ओमेगा 3 है। लेकिन अगर आप थोड़ा कम मात्रा में लेके खुश हैं और पूरी उम्र लेते हैं, तो हम आपको ALA प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपका शरीर DHA और EPA दोनों बना लेता है। और जो आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लेते हैं, ये विशेषता हृदय के लिए फायदेमंद है, ऐसा पेज 60 की उस टेबल में लिखा है। एक पेज और पे बहुत ज्यादा अच्छा वर्णन है, इसलिए ये पेज भी आप नंबर लिख लें, 182। और ये पुरुषों को जरूर दिखाएं और जो महिलाएं 40-45 से ज्यादा की हो गई उनको बहुत जोर से दिखाएं, क्योंकि ये समस्या आम है, ब्लड प्रेशर बहुत सारी महिलाओं को है और साथ में डायबिटीज भी है। जिनके भी परिवार में किसी भी महिला या पुरुष को ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज या डायबिटीज है, उनको ये पेज दिखाना ना भूलें, वो जिंदगी भर आपका न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लेना नहीं छोड़ेंगे। और अगर आपके परिवार में कोई है तो वो आपके पीछे लग जाएंगे कि साहब मेरे को तो ये जरूर ला के दीजिए। ये सारे बुरे काम जो कोलेस्ट्रॉल करता है उसको उल्टाता है, वो बुरा कोलेस्ट्रॉल आपकी धमनियों में जमता हुआ आपको दिख रहा है इसको पलटाता है, रक्त वाहिनियों में फैट का जमाव घटता है, ब्लड प्रेशर जो बुरा कोलेस्ट्रॉल या आपकी धमनियों के कड़े होने से बढ़ता है उसको कम करता है। और जो यहाँ पे ये देखिए, बस ये बंद ही होने वाला रास्ता है, यहाँ पे एक क्लॉट बनेगा और हृदय रोग, मतलब हृदयाघात हो जाएगा, ये थक्का बनने नहीं देता है। और ये पेज 182 पे क्लियरली लिखा है, मैंने आपको चित्र से समझा दिया पर आप एक बार समझ के ये पेज दिखा के समझा सकते। थोड़ा सा और क्लियरली समझाऊं,
तो ये अब मैंने ब्लड वेसल को सीधे सीधे काट लिया, इस तरह से देखिए रास्ता कम हो रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, ये चित्र में दिख रहा है। ये चित्र आसानी से आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, न्यूट्रीचार्ज के विभिन्न प्रोग्राम्स में या हम उनमें देते हैं मिल जाएंगे। और अगर आप न्यूट्रीचार्ज का वेज ओमेगा ले रहे हैं, ओमेगा 3 है जब भरपूर जिसमें, तो ये आपको ऐसा आपके साथ नहीं होगा अगर आप कम उम्र से लेंगे। अगर आप ज्यादा उम्र से ले रहे हैं और अगर आपको पहले से बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो आप एक की जगह 2 कैप्सूल्स का सेवन रोज सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल धीमे धीमे घटना शुरू होगा, आपके ट्राइग्लिसराइड घटेंगे, हृदय रोगों से बचाव। तो पेज कौन सा दिखाया है, 60 नंबर पेज में मैं वापस धीरे से आपको ले गया था। पेज 60 पे डायबिटिक्स के लिए भी एक लाइन लिखी है, यानी मैं पेज 60 और 182 दोनों के संतुलन से आपको समझा रहा हूँ आप ये वेज ओमेगा कैसे बेचें। अगर किसी के परिवार में डायबिटीज है उसको केवल ये एक लाइन दिखाएंगे तो वो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के कायल हो जाएंगे। ये न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा आपके पैनक्रियाज से इंसुलिन का स्राव बढ़ाता है, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा इंसुलिन की क्रियाशीलता बढ़ाता है, यानी इंसुलिन कई लोगों के शरीर में बनती है पर काम ठीक से नहीं करती इसलिए उन्हें डायबिटीज रहती है, ये उसको भी ठीक करता है। और अगर न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा ले रहे हैं तो उनके शरीर में इंसुलिन कम मात्रा में ही ज्यादा काम करेगी। और ये देखिए इंसुलिन जैसे जैसे पैनक्रियाज से बढ़िया बनेगी और सक्रिय होगी, वैसे वैसे जो खाने से जो ब्लड शुगर आ रही है वो रक्त वाहिनियों में घूमने की जगह टिश्यूज में घुस जाएगी, कोशिकाओं में घुस जाएगी और वहां ऊर्जा की जरूरत पूरी करेगी। तो ये पेज 60 और पेज 182 दोनों पे ये वर्णन किया है, ये जो आपको कटिंग दिखा रहा हूँ ये पेज 182 की है। अब महिलाओं को न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा कैसे बेचें, तो ये जानकारी भी दोनों पेजेस में, जल्दी में है तो पेज 60 खोलें, समय है तो पेज 183 खोलें। और किसी भी महिला को, लड़की को ये पेज और ये पॉइंट दिखाना ना भूलें कि अगर वो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लेंगी तो उनकी त्वचा स्वस्थ, मुलायम, कोमल और झुर्री रहित रहेगी, बाल और नाखून भी स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि ओमेगा 3 त्वचा को नरम रखने के लिए, कोमल रखने के लिए, अगर नरम और कोमल नहीं रहेगी तभी तो असमय झुर्रियां पड़ती हैं। और बालों को भी स्वस्थ रखने के लिए वेज ओमेगा इज रियली, मतलब ये गोल्ड है, आप जितना लेंगे उतना आपकी त्वचा और बाल सुधरेंगे। और इसके लिए हम आपको जितना चाहे उतना साइंटिफिक एविडेंस दे सकते हैं, अगर कोई कस्टमर को इसमें विश्वास आएगा तो आपका न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा वो इसको लेता जाएगा। जी ओमेगा 3 का पेज नंबर जरा ठीक कर लें, पेज 180 और पेज 181 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज 60 पे और वही जो पेज जो 180 और 181 बताए गए उसमें आप एक चीज और देखें कि जिन लोगों को जोड़ों की दर्द है, अकड़न है, सूजन है, वो दवाइयां तो पूरी लेते रहते हैं पर क्या उनको न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लेने से कोई लाभ मिलता है? जी हाँ, उनको न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लेने से आप यहाँ पूरे जॉइंट्स को देख पा रहे हैं, जितने भी जॉइंट्स आपके शरीर में हैं उनको पूरे को आप देख पा रहे हैं, ये न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा उनके जॉइंट्स का दर्द, अकड़न और सूजन अच्छे से घटा दे रहा है और हड्डियों की मजबूती भी बढ़ा रहा है। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिनको हड्डियों की समस्या है उनको भी पेज 60 आप दिखा सकते हैं और कहीं ना कहीं पेज 181 क्षमा चाहता हूँ, पहले 183 बोला था, थोड़ा सा करेक्ट कर लें उसको, पेज 181 पे आपको ये जानकारी जरूर मिल जाएगी कि जोड़ों का दर्द, अकड़न और सूजन, मतलब अब ये उन लोगों के लिए विशेषता नहीं बात कर रहा हूँ जिनके घुटने दुखते हैं कहीं भी, और ये प्रश्न मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि साहब जोड़ों के दर्द, घुटने के जोड़ के लिए तो आप विशेष प्रोडक्ट ले आए न्यूट्रीचार्ज बीजे, लेकिन मेरे तो बाकी के जोड़ दुखते हैं, मेरी कमर दुखती है, मेरी टांगें दुखती हैं, मेरे बाकी गर्दन दुखती है, तो ये सारे जोड़ों को मदद करता है, जोड़ों का दर्द और खासकर जो जोड़ अकड़ जाते हैं उनको सूजन घटाता है। पेज 60 पे, पेज 181 पे कहीं ना कहीं आपको ये जानकारी अवश्य मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए और ये अंतिम बात, और ये देखिए कल परसों ही मेरे को एक फोन आया, हमारे से, हमारे नेटवर्क से जुड़े सज्जन थोड़े बहुत ज्यादा जानकारी चाह रहे थे कि किसी को डिप्रेशन है, उनसे किसी ने पूछा होगा जिनको वो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे थे, या एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा है तो क्या करें। देखिए हमारे एग्रेसिवनेस का एक कारण ये भी है कि हमारे शरीर में ओमेगा 3 की कमी है। अगर आप शाकाहारी हैं तो आपको जांच कराने की जरूरत नहीं है, आपके शरीर में ओमेगा 3 नहीं है, क्योंकि आपके आहार में किसी भी चीज में जो आप सुबह से लेकर रात तक खा रहे हैं ओमेगा 3 नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये आपको अवश्य समझना पड़ेगा कि ये इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है। आपने देखा लगभग हर अंग पे, हृदय पे, डायबिटीज से संबंधित अंगों पे, पैनक्रियाज पे, ब्लड वेसल्स पे, हमारी त्वचा पे, बालों पे, नाखूनों पे जब असर पड़ रहा है तो हमारे मस्तिष्क पे असर क्यों नहीं पड़ेगा, हमारे न्यूरॉन्स पे असर क्यों नहीं पड़ेगा। और ओमेगा 3 का सेवन ना कर पाने से, ओमेगा 3 की कमी से न्यूरॉन्स के ऊपर भी बुरा असर पड़ता है, यानी हमारी नर्व कोशिकाओं पे,
तो ये बहुत बड़ा कारण है कि जो लोग आजकल चिड़चिड़े हो रहे हैं, जो लोग आजकल भूलने लगे हैं, या जिनके मस्तिष्क में बहुत जल्दी उम्र का असर दिखने लगता है, कोई ना कोई बोल देता है यार आप भूल जाते हो, अभी तो ये बोला था अभी ये बोल रहे हो, या आपने तो पहले ये बोला था आप भूल गए हो, तो ये ओमेगा 3 की कमी का स्पष्ट लक्षण है। ये मैं अपने आसपास और खुद अपने में भी देखता हूँ, क्योंकि मैं भी शाकाहारी हूँ। इसका मतलब ये है साफ कि चाहे डॉक्टर कपूर हो, कितनी भी जानकारी हो, चाहे कोई भी अन्य हो, जानकारी से आपका काम बनने वाला नहीं है। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा या कोई ना कोई स्रोत, या न्यूट्रीचार्ज DHA ले लें तो भैया गोल्ड है, अगर आप सिल्वर से काम चलाना चाहते हैं तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वालिटी का न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड दे रहा है। तो ये जानकारी आपको, इतनी सारी जानकारी इन पेजेस में मिलेगी, और ये अंतिम जानकारी को आप हल्का फुल्का ना समझें। मानसिक कार्यक्षमता, चिड़चिड़ापन, या आप जिनको है, जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, यानी जो पेट से मोटे हैं, उनको भी ये फायदा करता है। तो ये सारी जानकारी पेज 60, पेज 180, पेज 181 याद कर लीजिए, बार बार दिखाइए और अपनी सेल बढ़ाइए। अब अगला लास्ट पॉइंट, ये महिलाओं के लिए एक और फायदा इसका कि मासिक धर्म से भी बचाता है, और जो महिलाओं को जो विशेषता ब्रेस्ट कैंसर का बहुत खतरा होता है उससे भी बचाता है। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो या तो न्यूट्रीचार्ज DHA लीजिए साथ में, बाकी न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेने के अलावा और न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट लेने के अलावा, या न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लीजिए, एकदम असर नहीं आएगा, थोड़े दिन में आपको महसूस होगा डिफरेंस। अब मैं अगले प्रोडक्ट पे आपको लिए चलता हूं, और जिसकी जानकारी से तो हमारी ये बुक पटी पड़ी है, वो है न्यूट्रीचार्ज व्यू। अगर आज का आपने सेशन की अगली 5 स्लाइड देख ली तो न्यूट्रीचार्ज व्यू के आप चैंपियन बन सकते हैं, और ये प्रोडक्ट आपको सारे आपके नेटवर्क में मशहूर कर सकता है, आपकी सेल बढ़ा सकता है, और आप अपनी परिवार की आंखों की और अन्य समस्याओं की इलाज भी कर सकते हैं। आइए तेजी से देखते हैं, समय की कमी है और जानकारी मेरे पास काफी है, कैसे न्यूट्रीचार्ज व्यू प्रमोट करें। एक क्षण के लिए थम के यहाँ ये देख लीजिए कि न्यूट्रीचार्ज व्यू है क्या, क्योंकि कई लोगों ने अभी तक आज तक इसको देखा नहीं होगा, उपयोग नहीं किया होगा, या सिर्फ उड़ती उड़ती सुनी होगी। न्यूट्रीचार्ज व्यू है ल्यूटीन और जियाजेंथिन का प्रोडक्ट। न्यूट्रीचार्ज व्यू हमने बनाया है ल्यूटामैक्स 2020 नामक ब्रांड से, ल्यूटीन और जियाजेंथिन लेकर। ये विश्व प्रसिद्ध ब्रांड है, अमेरिका की नंबर वन ब्रांड है, भारत के अंदर भी नंबर वन ब्रांड है, और ये केवल न्यूट्रीचार्ज व्यू में डाली गई है, और दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड है ल्यूटीन जियाजेंथिन की, और ये इस प्रोडक्ट में है। और ये एक विशेषता हमने आंखों के लिए बनाया है, जो दो अन्य इंग्रेडिएंट, जो अन्य दो पोषक तत्व आपको इसमें मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो है बीटा कैरोटीन और विटामिन ई। अब ये प्रोडक्ट कैसे प्रमोट करना है आइए समझें। खोल लीजिए अपनी किताब, खोलिए पेज नंबर 134 और व्यक्ति को दिखाइए कि ये देखिए साहब, पेज नंबर 134 पे आप उसको फोटोग्राफ्स के साथ दिखाइए कि ये आपका मोबाइल अगर आप उपयोग कर रहे हैं सोते जागते दिन रात, तो ये आपकी आंखों पे पूरा जोर पड़ रहा है। बिल्कुल ये फोटोग्राफ मैंने उसी पेज से उठाया है, तो आपको समझाना आसान रहेगा। कोई भी आदमी आज आपको मोबाइल के बिना मिलता नहीं है। पिछले सेशन में हमने बोला था 36 करोड़ लोग आज भारत में मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन की इसमें अधिकता है, और ये सभी की आंखों में ये इसकी नीली किरणें क्षति कर रही हैं और आंखों पे पूरा जोर डाल रही हैं। ये आपको पेज नंबर 134 से आप समझा सकते हैं। पेज नंबर 134 पे ये क्लियरली लिखा हुआ है, उसको दिखाइए, अंडरलाइन करके दिखाइए कि मोबाइल की स्क्रीन से हाई एनर्जी ब्लू लाइट निकलती है। ये आप सबको जानकारी है, लेकिन आपको उसको दिखाना पड़ेगा। ये मैं ऊपर कटिंग दिखा रहा हूं, मैंने हाईलाइट कर रखा है कि ब्लू लाइट को छोड़कर कॉर्निया सब लाइटों को रोक देता है, लेकिन ब्लू लाइट आंखों के रेटिना को क्षति पहुंचाती है। जो जो हम आपको बताते हैं वो यहाँ लिखा है। शांतिपूर्वक अगर आपने पेज नंबर 134 का नीचे वाला हिस्सा, ऊपर ल्यूटीन जियाजेंथिन का वर्णन है, नीचे ये हानिकारक लाइट का वर्णन है, दिखा दिया, तो आपको कोई भी मना नहीं करेगा, इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट जरूर लेगा। पेज नंबर 135 पे एक चीज और दिखाई है, कई लोग शाम को और रात में विशेषता आंखों को जोर और डालते हैं कि कम लाइट में मोबाइल का या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को तो आप ये फोटोग्राफ जरूर दिखाइए, ये पेज 135 जरूर दिखाइए। और ये मैं आपको समझाना चाहूंगा होता क्या है, मोबाइल की स्क्रीन से ब्लू लाइट जब रेटिना से टकराती है तो रेटिना के फोटो रिसेप्टर्स में, एक क्षण के लिए एक डायग्राम से आपको समझा दूं। ये देखिए, ये आपकी आंख है, ये अंदर गई रोशनी और ये यहाँ पे आपके रेटिना पे पड़ी, ये रेटिना को मैंने एक छोटा सा जो यहाँ आपका मैक्यूला का टुकड़ा है उसको बड़ा करके बाहर निकाल लिया, अब ये यहाँ पड़ रही है रोशनी, और ये आपके मैक्यूला आंख के रेटिना का वो भाग, ये छोटा सा भाग जिसके अंदर सबसे ज्यादा साफ दिखाई देता है, उसको टुकड़े को मैंने बड़ा कर लिया है। और ये आप पीछे देखेंगे रॉड्स और कोन्स हैं, ये फोटो रिसेप्टर्स हैं, यही रोशनी को न्यूरोलॉजिकल सिग्नल में बदलते हैं ताकि आपका ब्रेन देख सकता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपका मित्र है
या कोई अपरिचित आदमी है, आप उससे खुल के बात कर सकते हैं या आपको ध्यान से बात करना है। तो ये रॉड्स एंड कोन्स जब तक जिंदा है तब तक आपकी आंखें दिख रही हैं। अगर आप ये सेशन क्लियरली देख रहे हैं तो ये रॉड एंड कोन जो आपको आंखों पे छवि पड़ रही है उसको केमिकल सिग्नल, न्यूरोलॉजिकल सिग्नल में बदल के आपके ब्रेन तक भेज रहे हैं। ये आपको इसी पेज पे जानकारी लिखी हुई है, यही जानकारी मैंने आपको दिखाई, डायग्राम से समझाई। ये आपको आराम से इस पेज के अंदर 2 मिनट लगा के जो बड़ा सा मोबाइल लेके घूम रहा है उसको दिखाना है। पेज नंबर याद कर लीजिए, पेज नंबर 135। 135 डब्बे से कम आपकी सेल नहीं होगी अगर पेज नंबर 135 आप सबको दिखाते जाइए। बहुत सरल है। और ये रॉड्स एंड कोन्स 8वीं 9वीं की कक्षा में पढ़ा दिया जाता है कि आंखों के रेटिना में होते हैं, और ये जो ब्लू लाइट आपकी आंखों में घुस रही रेटिना में, ये इन फोटो रिसेप्टर्स को बिल्कुल फ्राई कर देती है। तो जो लोग नॉर्थ इंडिया में, उनको फ्राई चीजें बहुत पसंद है, उनको बताइए कि साहब आंखें फ्राई भी अगर आपको खानी है तो मोबाइल बिल्कुल देखते जाइए, आंखें फ्राई हो रही है। तो ये बात है। ये आया कहां से? ये पेज नंबर 135 नहीं, 134 पे लिखा है। ये चित्र 134 का है, पेज 134-135 पे ये सारी जानकारी है। आयो कहां से? ये मैरीगोल्ड फ्लावर से लाया गया है ल्यूटीन। ये कहां से आया आप इसको जानकारी दे सकते हैं? ये मैरीगोल्ड फ्लावर से लिया गया है। चूंकि आप फूल नहीं खा सकते इसलिए आपको न्यूट्रिशन साइंस की मदद से लिया गया है। यहां बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि 5:1 जो हमारी आंखों में अनुपात होता है उसी अनुपात में ये ल्यूटीन जियाजेंथिन निकाले गए हैं। पेज नंबर 135 पे ये बहुत क्लियरली लिखा है कि जो ये फूलों से मिला हुआ ल्यूटीन और जियाजेंथिन है यह आपकी आंखों के उसी क्षेत्र में इकट्ठा हो जाता है, मैक्यूला जो अभी हमने देखा था, और रेटिना के अंदर इस ब्लू लाइट को अपने में समाहित कर लेता है एक फिल्टर की तरह। और जब ये लड़की मोबाइल देख रही है, अगर इसने न्यूट्रीचार्ज व्यू नहीं खाया है तो ये लाइट सीधी उसकी आंखों के अंदर घुस के रेटिना के अंदर उसके रॉड्स एंड कोन को फ्राई कर रही है। अभी उसको पता नहीं चलेगा, 2-4 वर्ष में जब वो नंबर उसको साफ नहीं दिखेंगे, वो बिना चश्मे के नहीं पढ़ पाएगी, तब उसको समझ में आएगा। और अगर इसने न्यूट्रीचार्ज व्यू खाया है तो चिंता की विषय नहीं है, क्योंकि ल्यूटीन और जियाजेंथिन उसकी आंखों में पहुंच चुके हैं और उसकी आंखों में उस ब्लू लाइट को फिल्टर कर रहे हैं। ये आप चित्र दिखा के समझा सकते हैं। ये इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं ल्यूटीन और जियाजेंथिन, ये मैक्यूला में इकट्ठे हो जाते हैं, ब्लू लाइट जो पड़ती है उसको अपने में खींच लेते हैं और ये रेटिना को क्षति नहीं पहुंचाने देते। और ये देखिए साहब, ये पेज 135 पे ये स्पष्ट लिखा है कि ना सिर्फ ब्लू लाइट, किसी भी वजह से अगर आंखों में फ्री रेडिकल डैमेज, ऑक्सीडेटिव डैमेज, धुआं है, बहुत ज्यादा चमकदार लाइट में आप खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, आपने घंटों लैपटॉप पे काम किया है, जो मैं अपने आसपास देखता हूँ, अपनी अगली पीढ़ी में देखता हूँ, अपने डॉटर्स, अपने सन इन लॉज को देखता हूँ, जिनको भी देखता हूँ, अपने मित्रों को देखता हूँ, अपने कुलीग्स को देखता हूँ, दिन रात हम स्क्रीन के आगे बैठे रहते हैं, किसी भी कारण से आपकी आंखों में तनाव है तो ल्यूटीन और जियाजेंथिन उस तनाव को सशक्त एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह एब्जॉर्ब कर लेंगे, ऐसा यहां लिखा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट आंखों में इतना ताकतवर नहीं रहता जितना ल्यूटीन और जियाजेंथिन रहते। कोई भी दुनिया का कोई भी एंटीऑक्सीडेंट इनसे ज्यादा आंखों का रक्षा नहीं कर पाता है, क्योंकि केवल इन्हीं को आंखों में एंट्री पास मिला है। केवल यही रेटिना में सबसे ज्यादा इकट्ठा होते हैं, बीटा कैरोटीन भी जाता है लेकिन इनके बराबर प्रभावी नहीं है, बाकी भी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मदद करेंगे लेकिन इनके बराबर प्रभावी नहीं है। तो ये दो पेज आपने दिखा दिए 134-135, तो आपका न्यूट्रीचार्ज व्यू का सेल तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। 133 नंबर के पेज पे वैसे आपकी जानकारी के लिए हमने बीटा कैरोटीन, जो इसमें एक और तत्व है, वो भी दिया है। विटामिन मिनरल का चैप्टर खोलेंगे तो विटामिन ई के भी आंखों के फायदे दिए गए हैं। और बीटा कैरोटीन दरअसल विटामिन ए की कमी से जो हमारी आंखों को क्षति होती है उससे हमें बचाता है। ये एक तरह से एक स्टोरेज है, मतलब आप खा लीजिए, अगर आपकी बॉडी को विटामिन ए चाहिए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऐसा 133 पेज पे लिखा है, नहीं चाहिए तो कन्वर्ट नहीं होगा। तो यानी आपको विटामिन ए के दुष्प्रभाव नहीं होंगे और जरूरत होगी तो जरूर मिल जाएगा। और ये किसी भी वजह से आंखों में फ्री रेडिकल बने तो उसको नष्ट करेगा, ठीक है, ये क्लियरली। और जिन लोगों के फैमिली में मोतियाबिंद जल्दी उतरता है उन लोगों को न्यूट्रीचार्ज यू छोड़ना ही नहीं चाहिए, कम उम्र सिखाएं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट में आपको लिया चलता हूँ, न्यूट्रीचार्ज S5 पे, और कैसे इस बुक से उसको प्रमोट करें मैं आपको समझाऊंगा। एक क्षण के लिए जिन लोगों ने अभी तक न्यूट्रीचार्ज S5 नहीं खाया, मुझे विश्वास नहीं होता कि अगर आपको ये प्रोडक्ट उपलब्ध और आप नहीं खा रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं होता। फिर भी उन लोगों की जानकारी के लिए मैं 1 मिनट के लिए इसकी कंपोजिशन याद दिला दूं, फिर मैं बुक के ऊपर पहुंचता हूं। देखिए ये है इसका कंपोजिशन, 200 मिलीग्राम बीज कलौंजी के बीजों के बराबर इसमें ब्लैक सीड ऑयल है,
150 मिलीग्राम पत्तियां, देखिए एक दो पत्तियां नहीं, पांच पत्तियां नहीं, तुलसी की एक दो पत्ती खा के लोग समझते हैं बहुत बड़ा काम कर लिया, यहाँ 150 पत्तियां अगर आपने एक कैप्सूल खाया तो इसमें मिलती है, 100 पत्तियां नीम के बराबर इसमें नीम का एक्सट्रैक्ट है, और 5 ग्राम एलोवेरा के बराबर इसमें एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है, और इसमें भरपूर पुदीना है। इस प्रोडक्ट को कैसे बेचे समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये तो शॉर्ट ही रहता है, फिर भी क्योंकि अब बहुतायत में उपलब्ध है और आप और ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचा के अपनी सेल्स और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं या अपने दोस्तों की जिंदगी सुधार सकते हैं। आइए न्यूट्रिशन साइंस बुक से इसको कैसे प्रमोट करें समझते हैं। पेज नंबर नोट करिए, पेज नंबर है 187, ध्यान से पेज नंबर नोट करिए, 185, 186, ये दोनों पेज नंबर आप नोट कर लीजिए, सॉरी ये पेज गलत है, पेज नंबर गलत है, 185 और 186 है आपका पेज नंबर। मौत को छोड़कर हर बीमारी का इलाज, ब्लैक सीड ऑयल, 2000 वर्षों से पारंपरिक उपचार में उपयोग, ब्लैक सीड ऑयल, ये सारी जानकारी यहाँ लिखी है। देखिए आप किताब में दिखाएंगे ये लिखा है मौत को छोड़कर हर बीमारी का इलाज तो मान लेगा, आप बोलेंगे तो कहेगा पागल हो क्या, मौत को छोड़कर हर बीमारी का इलाज है, तो ये ऐसा माना जाता है, ऐसा इस बुक में लिखा है, ऐसा कुरान में लिखा है, ऐसा बाइबल में लिखा है, और ऐसा बहुत सारे मैंने तो साइंटिफिक जर्नल्स में भी पढ़ा लिखा है। एनीवे, और यहाँ ये लिखा गया है कि 2000 वर्ष से इसका किस लिए उपयोग किया जाता है, आपकी डाइजेशन खराब है न्यूट्रीजाज एस्ट्राइल लीजिए, आपकी रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग यानी दमा है या कोई भी सांस से जुड़ी बार बार आपको खांसी सर्दी होता है न्यूट्रीजाज एस्ट्राइल लीजिए, लिवर कमजोर है न्यूट्रीजाज एस्ट्राइल लीजिए, हृदय रोग या ब्लड प्रेशर है न्यूट्रीजाज एस्ट्राइल लीजिए, और आखिरी बिल्कुल गर्मा गर्म टॉपिक, आपकी इम्यूनिटी से आपको समस्या, आपके शहर में कोई रोग फैला है, कोई बीमारी, कोई वायरल संक्रमण फैला है, तो न्यूट्रीचार्ज एस5 लिए बिना घर के बाहर मत जाइए, जैसे मास्क लगाते हैं वैसे ही न्यूट्रीचार्ज एस5 आपका अदृश्य मास्क है, ऐसा इस पेज 185, पेज नंबर करेक्ट कर लीजिए, मैं समझ जाता हूँ 185 पे लिखा है। अब इसी पेज पे ये वर्णन किया है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जिससे ये इतना शक्तिशाली प्रोडक्ट बन गया है, इसमें होता है थाइमोक्विनोन, ये नाम आपके बोलने से याद नहीं होगा, पेज नंबर 185, सॉरी इसको करेक्ट करिए, खोल लीजिए और उसमें पढ़ा दीजिए कि सूजन, कमजोर इम्यूनिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, किसी भी चीज से थाइमोक्विनोन बचाता है। इसी पेज पे ये वर्णन चलता जा रहा है, 185 पे ही है, 187 नहीं है, बुरा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, शरीर में जो हमारा हीमोग्लोबिन के साथ शक्कर जुड़ जाती है जिनको डायबिटीज होता है और डॉक्टर उनको हर समय HbA1c टेस्ट कराते रहते हैं, उसका स्तर सब घटने शुरू हो जाएंगे अगर आप न्यूट्रीचार्ज S5 लगातार लेंगे। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको न्यूट्रीचार्ज S5 नहीं छोड़ना है, अगर आपको हृदय रोग से संबंधित कोई भी समस्या, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर है, आपको न्यूट्रीचार्ज S5 नहीं छोड़ना है, अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, आपको न्यूट्रीचार्ज S5 नहीं छोड़ना है। तो ये आपको पेज 185 से समझ में आ जाएगा। अब दूसरा पेज नंबर 144, मैं भी अपने बगल में किताब रख के वो पेजेस खोलते जा रहा हूँ ताकि कोई नंबर गलत हो तो मैं तुरंत आपको करेक्ट करा दूं और क्षमा भी मांग लूं। 144, पेज नंबर 144 आप खोलिए, नहीं सॉरी 143 खोलिए, एक पेज सरक गया, शायद कुछ गलती है, पेज 143 पे आपको और 142 143 पे आपको एलोवेरा का वर्णन मिलेगा। चिकित्सीय गुण से भरपूर अमृतत्व का पौधा है ये, दिखाइए न्यूट्रीचार्ज S5 में एलोवेरा है, 200x की कंसंट्रेशन वाला, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर, ये दिखाइए जिनकी डाइजेशन खराब है उन्हें बताइए कि इसमें एलोवेरा है, आपकी डाइजेशन सुधरेगी, और अगर आपके शरीर में जहरीलापन है वो निकाल देगा, एसिडिटी है वो निकाल देगा, पेज याद कर लीजिए 143 एंड 142। आगे बढ़ता हूँ साहब, ये देखिए यहाँ पेज करेक्ट लिखा है, ये एंटीऑक्सीडेंट तत्वों से भरपूर, इम्यूनिटी बढ़ाए, पाचन सुधारे, 200x की यानी कि 200 गुना आपको कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट इस प्रोडक्ट में डाला है, ये लिखा है इस किताब में, आप इस किताब में जरा देखिए, जानकारी लीजिए, पेज 143 पे लिखा है और इससे आप स्पष्ट बताइए। पेज 160 पे जाके हम न्यूट्रीचार्ज S5 के अगले इंग्रेडिएंट के बारे में पढ़ सकते हैं, पेज 160 से एक पेज पहला, 159 158, ऑसिमम सेंक्टम यानी श्यामा तुलसी, यानी हमारे देश का वो पौधा जिसको हम आज तक पूजते हैं, मैं भी पूजता हूं, मेरे घर में भी है, और जिसके बारे में हम उसको देवी जैसा मानते हैं, उस ऑसिमम सेंक्टम का वर्णन पेज नंबर 158 159, हिंदी की किताब के पेजेस हैं, हिंदी इंग्लिश में शायद थोड़ा कंफ्यूजन हुआ रहा होगा तो ये प्रेजेंटेशन को आप इग्नोर, पेज नंबर को 159 158 पे पढ़ लें तो आपको दिखेगा। देखिए यहाँ तुलसी के बारे में क्या लिखा है,
जिन जिनको भी इम्यूनिटी की चिंता है उन्होंने अगर न्यूट्रीचार्ज S5 ले लिया 150 मिलीग्राम तुलसी की, तीन स्पीशीज का उनको एक्सट्रैक्ट मिलेगा, श्यामा तुलसी, दूसरी स्वीट बेसिल यानी मीठी तुलसी और एक तीसरी प्रकार की तुलसी, तीनों की 150 पत्तियों का एक्सट्रैक्ट मिलेगा और ये तुलसी एंटीबायोटिक है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी फंगल है और लाल लाल लिखा है एंटीवायरल है, संक्रमण से रक्षा करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, खांसी सर्दी दमा डायबिटीज सबसे राहत देती है, वायरल संक्रमणों खासकर स्वाइन फ्लू से बचाने में सहायक सिद्ध हो चुकी है। अभी मैं जरूर समझता हूँ कहीं ना कहीं तुलसी को जो अभी वायरल इन्फेक्शन विश्व में फैला है उस पर भी जरूर आजमाया जा रहा होगा, कोई ना कोई वैज्ञानिक इस पर लगा होगा और वो जानकारी जैसे ही मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे, अभी तो नहीं है, जितनी जानकारी है इन दोनों पेजेस में वर्णन है। तो यही एक पेज अगर आपने पेज 158 और 159 दिखा दिया, इसी से आपका न्यूट्रीचार्ज S5 बिक गया। और एक बात और बता दूं कि इन तीनों वैरायटी की तुलसी में कुछ का हमने ऑयल भी डाला है और सत्व भी डाला है, यानी दोनों डाले हैं और ये दोनों ही ऑयल भी और सत्व भी एंटी बैक्टीरियल गुण, एंटी फंगल गुण, सोजन रोधी, एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबियल और वायरल संक्रमणों से रक्षा करते हैं। आपका काम इन दोनों पेज पे हो गया। अब मैं आपको लिए चलता हूं अगला पेज जिसपे दूसरी स्पीशीज भी लिखी है, ऑसिमम ग्रेटिसिमम और ऑसिमम बेसिलिकम। हिंदी की किताब में ये पेज नंबर 159 है, करेक्ट कर ले, इंग्लिश वाले जब आएगी किताब उसमें नंबर देख लेंगे। 159 पे ये दोनों स्पीशीज का वर्णन है और ये दोनों स्पीशीज के भी गुण वही हैं, लेकिन अलग अलग स्पीशीज होने के कारण आपको अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करती हैं। तो ये पेज नंबर 160 आपने अगर खोल के दिखा दिया, आपका न्यूट्रीचार्ज S5 का डब्बा शॉर्ट हो गया। आगे बढ़िए, अगले व्यक्ति को ये पेज खोल के दिखाइए, पेज नंबर 170। मैं फिर भी इसको चेक कर लेता हूं ताकि गलती ना हो। जी हाँ, ये करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। पेज नंबर 170 पे वो पौधे का वर्णन है जो आपके खून को साफ करता है, रक्त से विषैले पदार्थ निकालता है, आपके खून में कैसा भी जहर है, आपकी त्वचा किसी भी कारण बिगड़ रही है, न्यूट्रीचार्ज S5 क्यों काम करेगा। 170 नंबर पेज आपने दिखा दिया, आपका काम हो गया। तुलसी की 100 पत्तियां किसी के वश में नहीं खाना, और यहाँ अगर आपने तुलसी के गुण, सॉरी नीम के गुण दिखा दिए तो यहाँ स्पष्टता लिखे। और ये सब मैं आपको बता दूं, ये रेफरेंस पे आधारित किताब है, इसका सब एक एक लाइन चेक किया गया है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, किसी भी कारण से आपकी स्किन पे प्रॉब्लम होती है, कील मुहासे होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, कांतिहीन आपकी त्वचा चमकती नहीं है, झुर्रियां आती हैं, आप बहुत परेशान रहती हैं या रहते हैं, तो आपको न्यूट्रीचार्ज S5 लेना चाहिए। 100 नीम की पत्तियों का सेवन आप सामान्यता नहीं कर पाएंगे। और पेज नंबर 172 ये भी एकदम सही पेज है, इस पे है मेंथॉल, जो मैं आज सुबह भी चबा रहा था क्योंकि मेरे को अपने पाचन को बढ़ाना है, एसिडिटी को कम करना है, और ये मेंथॉल अगर आपने न्यूट्रीचार्ज S5 लिया है तो आपको स्वयं ही मिल रहा है। तो ये पेज दिखा के आप न्यूट्रीचार्ज S5 बेच सकते हैं। हमारे पास जानकारी की कमी नहीं है। ये देखिए, मैं आपको एक छोटा सा हल्का सा जानकारी शेयर करता हूँ कि न्यूट्रीचार्ज व्यू में जो ल्यूटीन और जियाजेंथिन है, आज तक हमने आपको केवल आंखों के लिए बताए हैं, लेकिन अगर आप न्यूट्रीचार्ज व्यू ले रहे हैं तो आपको डबल बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपके ब्रेन की भी वो रक्षा करता है, न्यूरो प्रोटेक्शन भी करता है। जानकारी न्यूट्रीचार्ज के पास जितनी आपको चाहिए उससे ज्यादा है, मैं समझता हूँ इतनी जानकारी के साथ आप ये सभी प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। और मैं मनीषा जी से आग्रह करूंगा कि अब आपके प्रश्न मेरे को जरूर वो पूछें। सर, एक प्रश्न आ रहा है कि न्यूट्रीचार्ज व्यू कब तक लिया जा सकता है, क्या लाइफ लॉन्ग लिया जा सकता है? देखिए, न्यूट्रीचार्ज व्यू में ल्यूटीन और जियाजेंथिन है। दरअसल हमारे को ल्यूटीन और जियाजेंथिन हमारे आहार से मिलने चाहिए थे, लेकिन आप ही बताइए, आपके घर में लोग कद्दू खाते हैं क्या? कद्दू एक पीली सब्जी है और कैरोटीनॉइड एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, नहीं खाते हैं तो न्यूट्रीचार्ज व्यू की शरण में आ जाइए। इसी तरह रंग बिरंगे रंग की हर सब्जियां जो हम किसी जमाने में भरपूर खाया करते थे, पूरी उम्र खाया करते थे, उनसे हमारे को कैरोटीनॉइड एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। ये दवाई नहीं है, ये प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको जल्दी बूढ़ा नहीं होने देगा। आप कब तक बूढ़ा नहीं होना चाहते? आप कब तक चाहते हैं आपकी आंखें सुंदर बनी रहें? मैं ये सवाल का जवाब आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगर आपको धुंधला धुंधला देख के बढ़िया चलता है तो बिल्कुल मत खाइए। आपको अगर आपको अपने पति पत्नी में झगड़ा है, मत खाइए, दोनों को एक दूसरे की शक्ल साफ साफ दिखाई नहीं देगी। और अगर आपको प्रेम है तो खाते रहिए, एकदम पूरी उम्र खाइए। चलिए नेक्स्ट। मेरे को एक चीज और क्वेश्चन आया है, क्या न्यूट्रीचार्ज S5 दिन में 2 बार ले सकते हैं? देखिए, मैं आपको ये कहूंगा कि जो लोग एक बार भी नहीं ले रहे हैं पहले उनको मना लीजिए। अगर आपको भयंकर, अगर आप ऐसी कोविड ड्यूटी पे लग गए हैं कि जहां आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर है,
फिर भले आप इसके बारे में सोचें, बाकी सबके लिए न्यूट्रीचार्ज एसआई का एक कैप्सूल में काफी शक्ति है। देखिए 150 मिलीग्राम तुलसी है, जिन लोगों को बच्चा चाहिए वो उस समय के लिए उस दौरान ना ले, बहुत शक्तिशाली कैप्सूल है। तो आपको एक काफी है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऐसे मतलब चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं, केमिस्ट हैं या दुकानदार हैं, आपको दिन भर लोगों से सामना होता है, फिर भले आप कंसीडर करें, बाकी सब लोगों के लिए एक ही बार काफी है। अगला सवाल जो मुझे आया, मनीषा जी मेरे पास जो लिखे हुए आ गए, मैं पहले वो बता दूं कि पहले आप पूछेंगी? आप पूछिए, आप बताइए जी। एक चीज बताया है, इसमें पूछा है सवाल, सोया प्रोटीन में एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन होते हैं। अब ये सवाल से मुझे पता लग गया कि आपने न्यूट्रीचार्ज का ड्यूपो वाला सेशन नहीं देखा है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा वो सेशन को डाउनलोड कर लें और उसमें देख लें, ये जानकारी बहुत अच्छे से ड्यूपो ने एक्सप्लेन की। हमने उसी सेशन को दोबारा हिंदी में भी प्रसारित किया, वो भी देख लें, उसमें भी हमने बताया कि एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन प्राकृतिक होते तो हैं, लेकिन वो ह्यूमन बींग के एस्ट्रोजन रिसेप्टर से जुड़ नहीं पाते, इसलिए हमारे शरीर पे उनका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। इस पे ड्यूपो ने बहुत ज्यादा रिसर्च की है और पुरुषों पे कोई दुष्प्रभाव नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरे को न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद है, मैं बिना लिए रहता नहीं, और मैं भी एक पुरुष हूं जैसा आप देख रहे हैं, अभी भी मेरी दाढ़ी मजबूत है, बाल मजबूत है। अगर एस्ट्रोजन का प्रभाव होता तो सब उड़ गए होते और आवाज मेरी इस समय इतनी जोरदार आपको नहीं आ रही होती। तीसरा सवाल है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में प्रोटीन दे सकते हैं क्या? देखिए पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो होता है वो इसलिए होता है कि आपको मोटापा होता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता ही मोटापे से जनित है, और प्रोटीन जो है आपको मोटापे से बचाव में सहयोग करता है, लेकिन चूंकि ये एक रोग है आप अपने डॉक्टर की सलाह से जरूर लें। पर ये अगर आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट लेकर के अपना मोटापा कम कर रहेंगे तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम अपने आप शांत हो जाएगा। फिर भी इस प्रश्न के ऊपर हम और थोड़ी अपने विशेषज्ञों से जानकारी इकट्ठा करके आप तक आएंगे। वेज ओमेगा कब तक लेना चाहिए, कितनी बार लेना चाहिए? अरे साहब, पैदा होने से पहले मिल सकता है तो लेना चाहिए, क्योंकि डीएचए पैदा होने से पहले तक मिलता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जन्म से पहले, और देखिए मृत्यु के बाद तो कोई मतलब नहीं बचा, तो जन्म से पहले जब तक आखिरी सांस है तब तक आपको वेज ओमेगा या डीएचए का सेवन करना चाहिए। मैं डीएचए ले रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा सा समझता हूं कि मैं अब 50 के आसपास आ गया, वेज ओमेगा धीरे धीरे काम करेगा। आप युवा हैं, आपने पेशेंस है, आप खूब लीजिए। मैं डीएचए ले रहा हूं और खूब, मेरा तो ब्रेन तेज है, मेरे को तो खूब कोई समस्या नहीं होती। कितनी बार लेना चाहिए? अगर आप थोड़े मोटे हैं, अगर आपका पेट थोड़ा बाहर निकला है तो आप 2 ले सकते हैं। अगर आपका रक्तचाप बढ़ा है, डायबिटिक है, तो आप दिन में 4 भी ले सकते हैं, कोई दुष्प्रभाव नहीं है। बाकी सब व्यक्ति दिन में एक बार लें, पूरी उम्र लें, खुश रहें। बेस्ट टाइम न्यूट्रीचार्ज व्यू लेने का क्या है? देखिए मैं समझता हूँ कि न्यूट्रीचार्ज व्यू को आप सुबह लें, क्योंकि दिन भर आपको सूरज की चमक, दिन भर आपको आंखों को स्ट्रेस देना है, ये आपके रक्त में जाके आपकी आंखों में पहुंच के पहरेदार की तरह बैठ जाए। आप खाने के साथ लीजिए, लेकिन कैरोटीनॉइड एंटीऑक्सीडेंट एम्प्टी स्टमक थोड़ा एब्जॉर्प्शन कम होता है, ये फैट सॉल्युबल होते हैं, तो दूध या कोई भी थोड़ा सा चिकनाई वाला अगर आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं उसके साथ लीजिए तो ये ज्यादा बेहतर एब्जॉर्ब होंगे। दिन भर आपकी आंखों में घुसे रहेंगे और किसी और को वहां घुसने नहीं देंगे। तो आप दिन भर मोबाइल का सेवन कीजिए, खूब मैसेजेस भेजिए, खूब नेटवर्क बढ़ाइए, खूब काम कीजिए, खूब लैपटॉप पे काम कीजिए, लेकिन पहले सुनिश्चित कर लीजिए कि न्यूट्रीचार्ज व्यू आपने लिया। मैडम ये मेरे सवाल तो समाप्त हुए, आपके पास जो और सवाल है मैं उनके जवाब दे दूं। सर किसी ने पूछा है दैट आई एम हैविंग ओनली द स्मॉल न्यूट्रिशन साइंस बुक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल बुक एंड द बिग बुक? देखिए साहब, स्मॉल बुक का मैं बहुत ज्यादा प्रेमी हूँ, देखन में छोटे लगे गाँव घाव करे गंभीर, वो ऐसी बुक है कि आपका जीवन बदल देगी। मेरे सामने और आपके सामने मनीषा जी जो बैठी है, ये छोटी बुक इन्होंने पढ़ी है, तब से मैं इनको पहचान नहीं पा रहा हूँ, और मेरे में भी भयंकर चेंज आया है। मैं 6 किलो वजन खो चुका हूँ, मेरी सभी पैंटें 3-3 इंच ढीली हो गई हैं, ऊर्जा बढ़ गई है। 6,000 कदम बड़ी मुश्किल से चलता था, जब टोका जाता था कि न्यूट्रीचार्ज के कंसल्टेंट से चलो, अब 10,000-12,000 कदम के बाद मुझे छत से उतारा जाता है, रात के 1 बजे उतारा हो कपूर साहब, 12,000 कदम हो गए। सो ये अंतर है उस छोटी बुक के अंदर, आपको अपनी डाइट और आहार से कैसे एंटीऑक्सीडेंट लेना है, इंटरमीडिएट फास्टिंग कैसे लेना है, उसका वर्णन है। और ये जो बड़ी किताब है साहब, ये तो आपकी गीता बाइबल है, सारा न्यूट्रिशन इसमें एक्सप्लेन है। इसके बिना न्यूट्रीचार्ज या न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, तो आप दोनों कॉपियां रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर बस सवाल इतने ही हैं, इनफैक्ट इट वाज अ वंडरफुल सेशन। ये जैसा कि डॉक्टर कपूर ने अभी बताया, आपके लिए गीता बाइबल है, हमेशा आपके पास होनी चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जिस पर आप
पढ़कर तो अपना ज्ञान बढ़ा ही सकते हैं, लेकिन जितनी बार आप इसको खोल करके किसी और के सामने रखेंगे और बताएंगे कि ये कितना, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स दिए हुए वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि ये मुझे मिलने कहाँ वाले हैं। तब आप बताइए कि हमारे सप्लीमेंट्स में मिल सकते हैं और उस मात्रा में मिल सकते हैं जो आपको आरडीए की मात्रा अपने शरीर में रोजाना पूरी करने में मदद कर सकते हैं। तो ये आपके पास होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4 जितनी हो उतना कम है, लोगों को सप्लाई करते जाइए और उनको आप ना तो सिर्फ इससे बता सकते हैं ना सिर्फ, बल्कि आप इसे एक प्रोडक्ट की तरह भी लोगों को दे सकते हैं। सबकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए, क्योंकि ये इसलिए नहीं कि ये लिखी गई है बहुत मतलब डॉक्टर कपूर और मैंने थोड़ा एडिटिंग में मदद की है, बल्कि इसलिए कि बहुत बेहतरीन रिसर्च के साथ ये किताब लिखी गई है। मैं जितना ज्यादा रिसर्च कर रही हूँ अभी हेल्थ पर और जितना ज्यादा पढ़ रही हूँ, जब मैं इस किताब को खोल करके पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने कम से कम 10-12 रिसर्च पेपर्स का ज्ञान इसी 1 या 2 पैराग्राफ में मुझे मिल गया है। तो इसको आप अपने साथ कहना चाहूंगा। हाँ जी सर, दर्शकों को जो भी देख रहे हैं, देखिए मैंने आज तक कोई पुलिस वाला डंडे के बिना नहीं देखा, कोई डॉक्टर स्टेथोस्कोप के बिना नहीं देखा, कोई सोल्जर अपनी गन के बिना नहीं देखा, लेकिन मुझे बहुत सारे न्यूट्रिशन काउंसलर ये कहते हैं किताब है, हाँ है, घर में रखी है। अरे भाई मुझे नहीं समझ में आता, मतलब ये कोई वो थोड़ी है कि मायके से आएगी तब आप उसको लेके आएंगे, इसको साथ रखिए। और दूसरा ये समझिए कि आपको मुझ पर विश्वास हो सकता है, लेकिन जो सामने आपकी बात सुन रहा है हो सकता है आपको उस पर पूरा विश्वास ना हो, उसको आप पे पूरा विश्वास ना हो। तो ये किताब एक तरह से देखिए, आज हमारे पास सब कुछ है, मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ, हमारे पास फोन है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अखबार अभी भी करोड़ों लोग पढ़ते हैं, क्योंकि देखने से विश्वास आता है, हाथ में लेने से विश्वास आता है, केवल बोलने से विश्वास आ जाता तो सबके घर में टेलीविजन या मोबाइल होने के बाद भी अखबार क्यों लेते लोग। तो ये आप इस बात को समझिए, प्रिंटेड वर्ड का सिग्निफिकेंस समझिए, अपने टूल को लेकर निकलेंगे तो कई गुना कामयाबी होगी। पुलिस वाला बिना डंडे के भी चोर पकड़ सकता है, बिल्कुल पकड़ सकता है, लेकिन डंडा रखता है, उसको पता है कि काम आता है, उसको क्राउड को कंट्रोल में काम आता है। सोल्जर बिना बंदूक के निकलता नहीं है। आप इस किताब को लेके लेकिन तभी निकलिए जब ये पेज नंबर आपको करेक्टली पता हो और एकदम बिना बिना किसी झुंझलाए ठिठके बिना आप तुरंत वो पेज निकाल के वो सटीक लाइन दिखाएंगे, आपका प्रोडक्ट 10 लोगों को दिखाएंगे, 2 लोग ले जाएंगे, और अगर आप रोज 100 को दिखाएंगे आपको और कोई काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपका बिजनेस इतना बढ़ेगा कि मुझे आपसे मिलने के लिए, मनीषा जी को आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, मनीषा जी और कोई सवाल हो तो पूछे, नहीं तो चले। नहीं, हम इजाजत चाहते हैं आपसे अब। थैंक यू सो मच JRCM, मेरा चार्ज न्यूट्रिशन चार्ज। थैंक यू। We'll be right back.